सो हेलो गाइस, मैं हूं कार्तिक। फिर से मैं आ चुका हूं गाइस। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं गाइस, मी 14 के अंदर आप कैसे मी गैलरी के अंदर पाइप डायग्राम ऑप्शन को आप किस तरीके से इनेबल कर सकते हो गाइस। सो ये जो फीचर है बेसिकली गाइस, मी 13 से ये वाली फीचर पूरी तरीके से रिमूव कर दिया था। पर मी 13 के अंदर एक ट्रिक था गाइस, जिससे ये वाली फीचर को आप एक्टिवेट कर सकते थे गाइस। पर मी 14 के अंदर गाइस वो मेथड काम नहीं करता है गाइस। सो मी 13 के अंदर बेसिकली गाइस, गैलरी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल अपडेट करने से गाइस पाइप डायग्राम ऑप्शन शो हो जाता था। पर मी 14 के अंदर गाइस कोई भी अनइंस्टॉल अपडेट का ऑप्शन शो नहीं होता है गाइस, जिस वजह से पाइप डायग्राम ऑप्शन मी 14 के अंदर शो नहीं होता है गाइस। सो अगर आपके फोन के अंदर कुछ ऐसा प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है गाइस, गैलरी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल अपडेट ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है, जिस वजह से आप पाइप डायग्राम ऑप्शन इनेबल नहीं कर पा रहे हो, तो आज की इस वीडियो कंप्लीट देखना गाइस। आज की इस वीडियो कंप्लीट देखने के बाद गाइस ये वाली प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे गाइस। उससे पहले और एक चीज बता दूं गाइस, अगर आपकी मी गैलरी की पाइप डायग्राम से सारे के सारे फोटो डिलीट हो चुका है, उन सारे फोटो को रिकवर करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया हो गाइस, वो वाली वीडियो को देख लेना गाइस। ये वीडियो देखने के बाद आप सारे के सारे फोटो वीडियो को आप रिकवर कर सकते हो गाइस। सो अब बात करते हैं गाइस, अगर आपके फोन के अंदर पाइप डायग्राम ऑप्शन शो नहीं करता है तो कैसे इनेबल कर सकते हो गाइस। सो गाइस, गैलरी के अंदर पाइप डायग्राम ऑप्शन को इनेबल करने के लिए गाइस आपको सबसे पहले जो कर लेना है गाइस, आपके फोन की जो गैलरी एप्लीकेशन है गाइस मी गैलरी, इसको अपडेट करना होगा गाइस। इसका अपडेट करने का लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बेसिकली गाइस, मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर मी गैलरी का अपडेट वर्जन मैंने अपलोड करके रखा है गाइस, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। वहां से जाके ये वाली एपीके को नॉर्मली आपके फोन के अंदर डाउनलोड कर देना है। उसके बाद नॉर्मली गाइस आपके फोन के अंदर गाइस ये वाली चीज को नॉर्मली अपडेट कर लेना गाइस। जैसा अपडेट करोगे आपके फोन के अंदर कुछ ऐसा अपडेटिंग ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपके फोन के अंदर इंस्टॉल होगा गाइस। उसके बाद बेसिकली गाइस आपकी जो गैलरी एप्लीकेशन है गाइस कुछ इस तरह से अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा गाइस। उसके बाद नॉर्मली आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद क्या करना है गाइस, रिसेंट ऐप से सारे एप्लीकेशन क्लोज कर देना है गाइस अपडेट करने के बाद। सो उसके बाद आपकी फोन की गैलरी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। रैंडमली कोई भी फोटो को यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद एड एल्बम वाली ऑप्शन पे जस्ट क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको पाइप एल्बम का जो ऑप्शन है गाइस कुछ इस तरह से शो हो जाएगा गाइस। अगर इन केस गाइस ये मेथड को अप्लाई करने के बाद भी अगर आपके फोन के अंदर पाइप एल्बम का ऑप्शन शो नहीं करता है, तो अब आपको सेकंड मेथड को यूज करना है गाइस, जिसके लिए आपको गैलरी एप्लीकेशन को पेशन होल्ड करना है। ऐप इन्फो वाली ऑप्शन में जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आपको अनइंस्टॉल अपडेट का ऑप्शन शो हो जाएगा गाइस मी 14 के अंदर गाइस। उसके बाद आपको क्या कहना है, अनइंस्टॉल अपडेट पे क्लिक करके ओके कर देना है गाइस। उसके बाद आपकी फोन की गैलरी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या कहना है, आपकी फोन की पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके गाइस एक बार आपकी फोन रिबूट कर देना गाइस। रिबूट करने के बाद जैसे ऑन हो जाएगा गाइस, उसके बाद आपकी फोन की गैलरी एप्लीकेशन को दोबारा ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपके फोन के अंदर कुछ इस तरीके से सारे फोटो आना स्टार्ट हो जाएगा गाइस। सो बेसिकली गाइस, अनइंस्टॉल अपडेट करने से इस तरीके से प्रॉब्लम मिलते हैं, आपको वेट कर लेना। वेट करने के बाद किसी भी फोटो सिलेक्ट करोगे, उसके बाद ऐड एल्बम वाली ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको पाइप एल्बम का ऑप्शन शो हो जाएगा गाइस। एंड ये मेथड को यूज कर लेना, 100% आपकी फोटो पाइप एल्बम ऑप्शन इनेबल हो जाएगा गाइस। सो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।